Hi Virgo and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Virgo, thank you so much just to be my channel. Subscribe here, it really means a lot. Virgo personal reading mein 50% off hai. Aap description box check kar sakte ho. Aur ye video to part mein divided hoga. General reading and love life reading Virgo. Let's check June month kaisa rehne wala hai aapka. Oh, I hope it's fine, yeah. Message for Virgo. Oh, walking away. Yes. Walking away. मैं जब भी Virgo की reading करती हूँ ना, मैं खुद resonate करने लग जाती हूँ उसी से. Because I'm a Virgo myself. Walking away. Walking away का मतलब क्या होता है Virgo? ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाओ जो आपको toxic लगते हैं, जो आपको सिर्फ तभी याद करते जब उन्हें कोई ज़रूरत होती है. वॉकिंग अवे सीरियसली मीन्स दैट पीपल वॉक अवे फ्रॉम पीपल, वॉक अवे फ्रॉम बुरी आदतों से को पीछा छुड़ाओ, बुरे लोगों से पीछा छुड़ाओ, मतलब जस्ट लेट गो ऑफ पीपल सिचुएशन एंड इवन लेट गो ऑफ नेगेटिव थाट्स एज वेल. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे नेगेटिव थाट्स की एनर्जी आ रही है वो. मुझे लग रहा है आप लोगों को लाइफ में ऐसे सिचुएशंस फेस किए होंगे कि आपको लग रहा है you have become quite negative. For many of you, I feel that Virgo. So, जो negative चीज़ें हुई, negative thoughts से let go करना ज़रूरी है. कि बोलो छोड़ो जान जो हुआ सो हुआ, मैं एक optimistic person रहूँगा, मैं ऐसी रहूँगी कि नहीं मुझे better बनना है. तो जो लोग toxic हैं उनको पीछा छुड़वाओ, उनसे cut off करो, उनसे बात मत करो. Second, मुझे लग रहा है कि mentally आप काफ़ी negative हो रहे हो and because of Mercury retrograde as well. People have suffered a lot and because of that you have become quite pessimistic towards life. So be a little optimistic क्योंकि चीज़ें अच्छी होने वाली. जब आप पीछे burdens को और negative thoughts को पीछे छोड़ोगे तभी positive thoughts और positive चीज़ें होंगी वो गो. ओके, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है. एंजल्स हैव विंग्स एंसेस्टर्स जनरल मैसेज फॉर वर्गो जून. रिकॉर्ड हो रहा है इस मेरे साथ यही पंगे चलते रहते हैं. ओके, सिस्टर्स काफ़ी शफलिंग हो गई. लेट्स चेक यहाँ से कट करेंगे. आज टेक एस ऑफ वांड्स, एट ऑफ वांड्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स फिर से आया. एक्वेरियस का भी आया था, टॉरस का भी फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आया था. Oh my God! Angels wants to tell the same similar kind of a message. देखो four of swords simply signify करता है कि वो ही जो मैंने बोला कि जो past में हुआ उसे छोड़ो और बस rest करना है. Work को pressure नहीं लेना है बिल्कुल भी. And Saturn retrograde के बारे में मैं पढ़ रही थी article and उसमें यही चीज़ लिखी हुई थी. I think I will mention the link down below. If you want you can read it. कि एकदम हड़बड़ी में चीज़ें नहीं करनी, एकदम आराम आराम से करना है. मतलब यू डोंट हैव टू बी वेरी वेरी एम्बिशियस कि हाँ मैं 20 घंटा काम करूँगा और 4 घंटे सोऊंगी. नो प्लीज़, ये मंथ है ही नहीं वैसा. मुझे वही एनर्जीज आ रही हैं. तो वो को रिलैक्स रह के काम करना है. स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लग रहा है कि आप सोते नहीं हो. यू जस्ट डोंट स्लीप, योर स्लीप साइकिल इज़ रियली मेस्ड अप. तो प्लीज़ 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम पे सोना, टाइम पे उठना बहुत इंपॉर्टेंट है वर्गो दिस मंथ. एंड मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. और ये मैसेज 2-3 जोडियक साइन के लिए भी आया था. एंड विद एस ऑफ वंस, यस समवन माइट, जो लोग सिंगल हैं जो ये वीडियो देखते हैं उनके लिए कोई शायद नया लड़का लड़की आ सकते हैं उनकी लाइफ में. वो लोग कुछ लव ऑफर कर सकते हैं आपको. तो एस ऑफ वंस, बॉन्ड सिग्निफाई समथिंग पैशन टूवर्ड्स योर लाइफ. कुछ ऐसी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी जिसके लिए आप बहुत इंथुजियास्टिक होंगे. तो मुझे लग रहा है शायद कोई नई हॉबी आप स्टार्ट कर सकते हो. सम यू विल डू सम कोर्स, यू विल मीट न्यू पीपल, सम वन माइट ऑफर यू माइट टेक यू आउट ऑन अ डेट और समथिंग लाइक दैट. एट ऑफ वंड्स सिग्निफाइज ट्रैवल वर्गो.
ट्रैवलिंग आप कर सकते हो. एट ऑफ वॉन्ड्स वो ही सिग्निफाई करता है कि दैट यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल दिस मंथ जून में. और एट ऑफ वॉन्ड्स ये भी सिग्निफाई करता है ट्रैवल, अब्रॉड ट्रैवल के भी बहुत चांसेस बन रहे हैं वो को. और ओवरऑल दिस मंथ विल बी वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव. यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, स्पेशली नेगेटिव पीपल. रेस्ट, रीजेनोवेट करना अपने आपको, मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है, एंड न्यू बिगनिंग स्टार्ट होंगी वो को. बहुत एक मुझे लगता है एक लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला जून मंथ में फॉर मेनी ऑफ यू वर्गोज. यू माइट ज्वाइन अ कोर्स, यू माइट, आपका शायद कॉलेज स्टार्ट हो सकता है जून एंड में. हाँ वो भी हो सकता है. या कोई आप हॉबी स्टार्ट कर सकते हो, शायद आप दूसरे शहर में ट्रैवल कर सकते हो, न्यू जॉब स्टार्ट हो सकता है. सो ओवरऑल जून मंथ विल बी वेरी गुड, यू विल बी वेरी पॉजिटिव. नेगेटिव थाट्स को लेट गो करना है, मुझे यही मैसेज बार बार आ रहा है. लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडे. हाय वर्गो एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. और रीडिंग करने से पहले मैं चाहती हूँ वर्गो आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछो. मैंने कुछ डेडिकेटेड मैसेजेस बनाए हैं, पॉज कर लो वीडियो, क्वेश्चन पूछो फ्री माइंड होके, एंड आई होप उस क्वेश्चन का आंसर इसमें मिले आपको. लेट्स चेक वर्गोज Virgo's answer. Virgo's answer. Okay, a long message, Virgo. Okay. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Okay, Virgo. तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कभी कभार आपको ऐसा फील होता होगा कि आई होप इट्स फोकसिंग. या कभी कभार आपको ऐसा फील होता होगा कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं. एंड जनरल रीडिंग में भी मैंने बोला था कि लेट गो करो, छोड़ो, कि चीज़ें आपके साथ इसलिए होती हैं क्योंकि एंजल्स, भगवान आपको कोई एक लेसन देना चाहते हैं. कोई आपको, भगवान चाहता कि आपको आपकी आंखें खुले कि ये लोग, ये सिचुएशन जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है. दैट इज़ वाई दोज थिंग्स हैपन विथ यू. ओके, एंड ब्लेसिंग बहुत जल्दी आने वाली है आपकी लाइफ में वर्गो. वर्गो दिस मंथ विल बी वेरी प्रोडक्टिव मंथ फॉर यू. तो ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी आने वाली हैं वर्गो इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ एज वेल. लेट्स चेक ऑरेकल से क्या मैसेज आता है. वर्गोज लव लाइफ जून, वर्गोज लव लाइफ जून, वर्गोज लव लाइफ ओवर हियर. ग्रैटिट्यूड, deep contemplation, committed relationship. Okay, Virgo. Yes. Gratitude dikhate rehna hai, Virgo. Be grateful for what you have in your life, Virgo. Theek hai? Plus, deep contemplation ho raha hai. Aapka partner bahut soch vichar kar raha hai, definitely. Wo bhale hi, mujhe to lag raha hai, wo ab to baat hi nahi karte hain dusre se. Taurus ki bhi same energy, same card aaya tha. Taurus or Aquarius, I don't remember now. And they are thinking about you, they are thinking what they have done wrong, and committed relationship hone wala hai. So if for Virgos, many Virgos, agar aap soch rahe ho, aap log ye demand kar rahe ho ki mera relationship kab start hoga, kab main ek committed relationship mein honge, so they will soon take this step, and by the end of the June you will get committed to one another. So that's something positive. Let's see, tarot se aage check karte hain. Angels, higher beings, ancestors, love, life, all, Virgo. Is it Virgo? Yeah, it's Virgo. Oh, main bhool jaati hun, guys. Virgo. Oh, seven of wands. One more card fell. Okay. I don't know which card is this, but main aur cards nikalungi. Love, life, for Virgo. Love, life, for Virgo. Love, life. Okay, enough.
स्टार, वाओ, फाइव ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये कार्ड देखते क्या आया था, ओ लवर्स, नाइस वर्गो, डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव कार्ड वर्गो, ओ ग्रेट ग्रेट वेरी ग्रेट 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 ग्रेट। रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ, देखो रिवर्सल्स पढ़ के मुझे आप लोग को और दुखी नहीं करना है, तो रिवर्सल्स नहीं, दिस इज वेरी पॉजिटिव। ओके, सेवन ऑफ वंड्स, डीप कंटेम्पलेशन, सेवन ऑफ वंड्स, आप परेशान हो, आप कह रहे हो भाई व्हाट इज दिस, इधर मुझे कमिटमेंट दो या तो तुम निकलो लाइफ से। सो आप परेशान हो रहे हो, आप फाइट्स क्रिएट कर रहे हो बिकॉज यू आर मेंटली वेरी वरीड। सो मैं आपको बताना चाहूँगी वर्गो कि वरी करके, ओवर थिंक करके चीज़ों का हल नहीं होगा। दे आर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, मैंने बताया था कि दे लव यू एंड द लवर्स का कार्ड है, तो वो जेमिनाई भी हो सकते हैं, मुझे लग रहा है जेमिनाई एक्वेरियस, स्ट्रॉन्ग जेमिनाई एक्वेरियस प्लेसमेंट इन देयर चार्ट, एक्वेरियस जेमिनाई होंगे, अगर एक्वेरियस जेमिनाई है तो ये रीडिंग आप ही की है। दे रियली लव यू, लवर्स का कार्ड है, दे थिंक दैट यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन विथ होम दे कैन स्पेंड अ लाइफ टाइम एंड दे कंसिडर यू एज अ वेरी स्वीट पर्सन, दे फाइंड यू रियली अट्रैक्टिव, अडोरेबल, वो पसंद करते हैं आपको, प्यार करते हैं, नो डाउट इन दैट, बट दे हैव कमिटेड, मुझे लग रहा है उन्हें कमिटमेंट इशूज हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स फ्यूचर आउटकम लग रहा है, ओके। सेवन ऑफ पेंटिकल, सेवन सेवन, ओके। हाँ, यू इवन यू वॉन्ट टू वर्क दिस रिलेशनशिप आउट, यू वॉन्ट टू वर्क दिस रिलेशनशिप, इवन दे वॉन्ट टू वर्क दिस रिलेशनशिप, बट पता नहीं उनको दिक्कत क्या है, रुको देखती हूँ उनको दिक्कत क्या है, वर्गो की पार्टनर की दिक्कत क्या है, क्यों नहीं कमिटमेंट कर रहे हैं। ये सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की मुझे क्लैरिफाइंग चाहिए अगेन से, मैं क्या बोलूं, वन मोर कार्ड, जस्ट वन मोर, मतलब देख रहे हैं आप चमत्कार गाइज, देख रहे हैं एग्जैक्ट सेम कार्ड्स आए हैं आपके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब मैं क्या बोलूं, जिनको जो कहते हैं टैरो में शक्तियां नहीं होती उनको ये वीडियो दिखाओ। ओह माय गॉड, चलो आराम आराम से आपकी रीडिंग करते हैं। देखो मुझे जितना लग रहा है वो पता नहीं क्या उनको क्या दिक्कत है, उनको दिक्कत ये है, दे थिंक दैट इफ दे गेट कमिटेड टू यू सिंपली उनकी फ्रीडम छिन जाएगी, वो एक आज़ाद परिंदे हैं, ओके, वो एक आज़ाद परिंदे, दे वॉन्ट टू जस्ट स्टे फ्री एंड दे डोंट वॉन्ट टू कमिट टू यू एज ऑफ नाउ, बट स्टार का कार्ड है वो विश फुलफिलमेंट होगी, सोन होगी विश फुलफिलमेंट, दे सी दे हैव टू थाट्स एट वन पॉइंट, दे थिंक, देखो जेमिनाई डुअल नेचर, जेमिनाई का जो नेचर होता है ना वो डुअल नेचर होता है, अगर आपका पार्टनर जेमिनाई है तो आप एक चीज़ सुनो, दे हैव डुअल नेचर, सो एट वन पॉइंट दे थिंक दिस, एट वन पॉइंट दे थिंक दैट, सो यही कन्फ्यूजन हो रही है वर्गो, क्या कन्फ्यूजन हो रही है कि वो एक टाइम पे सोचते हैं अरे यार प्यार होना चाहिए जीवन में, एक पार्टनर होना चाहिए जिंदगी में, प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप केयरिंग ये सब चीज़ें होनी चाहिए एंड दे गेट दैट फ्रॉम यू, बट दे डोंट वॉन्ट टू, उनको रेसिप्रोकेट नहीं करनी चीज़ें, तो उसी चीज़ में लगता है अरे मैं कहीं बंद गया रिलेशनशिप में तो मेरी आज़ादी छूट जाएगी कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, मुझे ये करना, चीटिंग की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बट आई डोंट सी एनी चीटिंग एनर्जी, बट दे फील दैट देयर फ्रीडम माइट गेट हैम्पर्ड इफ दे गेट टुगेदर विथ यू, बिकॉज आप मुझे लग रहा है काफ़ी डोमिनेटिंग किस्म के हो। देखो सी आई विल टेल यू वर्गो कि इफ दिस रिलेशनशिप इज गेटिंग अफेक्टेड, इज रियली गेटिंग अफेक्टेड, इफ दे आर नॉट कमिटिंग टू यू इवन आफ्टर गिविंग 6 months, 1 year, तो इट्स टाइम टू लेट गो करने की एनर्जी आ रही है, आपकी एनर्जीज ना बहुत हैम्पर्ड हो रही हैं इन सब से, बट द स्टार का कार्ड है वर्गो, मुझे जितना लग रहा है उनको बुद्धि आएगी, दे विल कमिट टू यू सून, बाय द एंड ऑफ द जून आई एम टेलिंग यू वर्गो, आपको आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिलेगी,
डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी. द स्टार इज अ पावरफुल कार्ड, बट ये रिवर्सल में आया था, बट मैं इसे उसमें रीड कर रही हूँ. सो ईदर यू विल गेट टुगेदर, विश फुलफिलमेंट होगी, अदरवाइज वो आपको लटका के ही रखेंगे. मैं सच बता रही हूँ, वो जब फ्री होंगे आपसे बात करेंगे, आपसे घूम लेंगे फिर लेंगे, बट कमिटमेंट के चांसेस है ही नहीं. सेम कार्ड्स, सो दे कंसिडर यू एज अ गुड पर्सन, दे लव यू, बट दे डोंट वॉन्ट टू कमिट टू यू. दैट्स सिंपल. बट जून एंड तक चीज़ें देखो, वो को एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने की ज़रूरत है. वो को यू हैव टू बी सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड यू आर शोइंग केयर, दे आर टेकिंग दैट केयर फ्रॉम यू, दैट लव फ्रॉम यू, बट आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो रहे हो. आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही है. तो थिंक वाइसली, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, जिस जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो. वो एंड बाय द एंड ऑफ द जून आपको क्लैरिटी होगी, ईदर दे विल गेट कमिटेड टू यू, और दो होंगे, दो चीज़ें होंगी वो गो. आई एम प्रिटी श्योर, आज मेरी एनर्जीज बहुत अच्छी है वो गो के लिए. ईदर दे विल कमिट टू यू, दे विल प्रपोज यू, आपकी शादी हो सकती है, आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे, या तो सेकेंड चीज़ वो ही साइकिल कंटिन्यू रहेगा कि वो आपसे बात करेंगे, आप उनसे बात करोगे, दे विल मीट यू, फ्लिंग चलेगा, बट कमिटमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा उनकी आज़ादी छिन जाएगी, उनका करियर बेकार हो जाएगा, उन वो बंध जाएंगे. सो जून तक, अगर वो जून के बाद भी यही साइकिल कंटिन्यू करेंगे, सो इट्स हाई टाइम टू मूव ऑन. वो आई होप यू लाइक माई रीडिंग. सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.